तो मेरे कंधे तक नहीं पर चढ़ी मेरे सर पे। ये नहीं चाहिए, नहीं मैंने बोला चाहिए मेरे को। इतना थक गया हूँ मैं। अच्छा इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे। वो चप्पल है ना मेरा क्रॉक्स, तू मेरे को रोज चप्पलों से मार रही है। हेलो हेलो एवरीवन, तो आप सबको मैंगो फैमिली की तरफ से थैंक यू सो मच। और ये थैंक यू इस बात के लिए है क्योंकि मैंगो फैमिली पहुंच गई है यकीन नहीं हो रहा मुझे भी, पहली बार है ना। ये देखो तो यहाँ पे आज क्या है हमारा है केक कटिंग, ये है 1000 और ये है 1000 सब्सक्राइबर्स। तो मम्मी अभी हमने चेक किया तो अभी हमने चेक किया तो हम 1700 पे पहुँच गए हैं। वाओ ये थैंक यू। तो चलो अब हम करेंगे केक कटिंग और केक करेंगे मायरा कटेगी। वाओ बॉस ऑफ द फैमिली केक कटिंग। केक खाने के लिए बहुत एक्साइटेड है मायरा। मायरा ने तोड़फोड़ चालू कर दिया, सब निकालना है यहाँ पे। पर आज है मायरा के पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट, तो हम लोग जा रहे हैं अभी मायरा के पासपोर्ट लेने, राइट? वो काम होते रहेगा, बड़ा पार्टी का। 1000 सब्सक्राइबर की पार्टी थी ना? हाँ। गाइस मैं अक्षता को पार्टी देने वाला हूँ इस महीने की 29 और 30 तारीख। ओके सुनना, कौन सा चल रहा है? फरवरी का चल रहा है। देखो हमको निकलना है और मायरा छोड़ ही नहीं रहा जिसको पप्पा पे प्यार आके रखा। गाड़ी चला मायरा, चल तू गाड़ी चला, एक काम कर आज 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 पूरा दिन मायरा हमें घुमाएगी, वही हम दोनों पीछे बैठते चलेगा चलेगा। पर प्यार आ रखा है आज मायरा को, बोला ना कि आती तो मेरे कंधे तक नहीं पर चढ़ी मेरे सर पे। ये है वो लड़की, ये है वो लड़की, जाएगी मम्मा के पास। वो देख इसको आगे ही देखना, आगे ही देखना मायरा पिकअबू। मायरा का काम कंप्लीट हो गया। मुझे ना यार पासपोर्ट ऑफिस इसलिए इतना सही लगता है ना, बच्चों का काम इतना फटाफट हो जाता है ना वहाँ पे यार। मस्त तो अभी काम जल्दी हुआ है तो अभी क्या, फिर बहुत टाइम है अपने पास। मेरे पास टाइम है और हमको पता है अभी। अक्षता तू ये क्यों बोल रही है? हमें पता है क्योंकि हमें भूख लगी है। नजदीक एक बहुत मस्त वाला कैफे है, वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत खाएंगे क्योंकि फिर लंच के लिए भी थोड़ा खाली रखना पड़ेगा ना। अबे अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। लंच ही खाएंगे हम, लंच के लिए जगह खाली रखना पड़ेगा मतलब। हाँ, मतलब मुझे भूख लग जाती है ना। तो आप पासपोर्ट लेके मायरा कहाँ जाएगी? कोरिया। कोरिया में किसको मिलेगी? BTS को, ब्लैकपिंक को। बाय बाय। फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन। मायरा सो गई है, मायरा सो गई और अक्षता चुप बैठी है। थक गई हूं मैं तो, थक गई भाई, अब थक गई हूं तो मुझे लगी है बहुत सारी भूख। अक्षता का एक रूल है, जब ये चुप हो जाती है ना इसका मतलब उसको बहुत जोर से भूख लगी और अक्षता 10 मिनट से कुछ नहीं बोल रही है। यस, तो रूल को फॉलो करो और खाना पेश करो। चल मैं लेके आता हूं। वाओ ये लाइट्स इतनी ब्यूटीफुल लग रही है ना, एक्चुअली सामने से ये लाइट्स ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। वाओ यार इतना सारा खाना, अब इसमें से क्या लेके जाओ क्योंकि कुछ रॉन्ग ले गया ना तो पक्का डांट पड़ेगी। अभी मैं जब ये लेके आया तो अक्षता मुझे देख के इतनी खुश हुई ना यार, कितना सारा खाना।
खाना लाया। सही है ना, देखना यार इतना सारा ये सब चीज। हाँ हाँ तुझे भी देखना, मायरा को भी मिलेगा। हाँ मायरा को भी मिलेगा। इधर का वाइब्स बहुत ही ब्यूटीफुल है, जैसे मैंने एंटर किया ना, ओ माय गॉड, मतलब उमेश तू ना एक ढंग का काम किया कि तू मुझे इस कैफे में लेके आना। मैंने ढंग का काम किया? हाँ मतलब तू कभी कभी ढंग का काम करता है ना। यस, मायरा को भी अच्छी लगी। मायरा को यहाँ पे इकलौता बस यही एक बच्चा जो चिल्ला रहा है। हाँ, नहीं और यही बच्चा कैफे में आया है, कैफे में लंच करने। ये सब खाने चाहिए तुझे? हाँ नहीं चाहिए? ये नहीं चाहिए, नहीं मैंने बोला चाहिए मेरे को। देख अभी इतना सा बच्चा है, इसमें थोड़ी तेरा पेट भरने वाला है। उससे अच्छा मैं खा लेती हूँ। अबे साले, तो खाना खत्म हो गया है और अब मैं और मायरा फोटोज खिंचाने वाले हैं। ये देखो पापा और मायरा का चल रहा है मी टाइम बीच के पास। मायरा इज एंजॉयिंग द सी व्यू। मायरा मायरा को सी बहुत अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है। एक्चुअली इसको पानी अच्छा लगता है। और अच्छा था, मैं क्या कर रहा था, अभी बांद्रा में मैं आया ही हूँ तो यार मेरे दोस्त को मिलके जाता हूँ ना यार, बहुत कॉल करके परेशान कर रहा है मेरे को। ये क्या, ये सामने जिसका कह रहा है शाहरुख खान। हाय शाहरुख, मैं हूँ पठान। हाय शाहरुख, मैं हूँ पठान। ओके मुझे और मायरा को सलमान भाई ने ना पिछले अभी हम लोग ना अच्छा खासा घर जा रहे थे, इतना थक गया हूँ मैं। मायरा तो थक के सो भी गई। सो भी गई पर अच्छा था, लेके आई शॉपिंग कर रही है। ये कल रात को ही मैं आपको बताते बोल रही थी कि अभी हमको लाइफ में ना सेविंग करनी है, पैसे बचाने अभी शॉपिंग करनी है। अभी ये क्या करेगी मैं आपको बता, अभी ये जाएगी पहले बोलेगी यार मैं क्या खरीदूँ, फिर 10-15 हज़ार का सामान खरीदेगी, ठीक है, फिर घर में लेके जाएगी, फिर मैं इसमें से क्या पहनूँ, फिर कुछ पहन लेगी, फिर उसके बाद बोलेगी, कुछ पहनने के बाद बोलेगी यार मैंने इसमें अच्छी नहीं दिख रही, और फिर एक्सपेक्ट करेगी कि मैं उसकी तारीफ करूँ कि वो अच्छी दिख रही। यस साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उमेश तू सदमे में क्यों चला गया? ब्रांड है गुच्ची करके, अगर आपको मालूम होगा तो। मैं पूछा सबसे सस्ता वाला कितना है, 35,000 रुपीस का। तेरा घर इसमें छेले जाएगा। बहुत सस्ता है। वॉलेट चोरी हो गई तो क्या बोलना पड़ेगा चोर को कि तू वॉलेट दे दे, बाकी अंदर का सब रख ले, तू वॉलेट दे दे मेरे को। इसे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, ये है क्या एक्चुअली ट्रक? स्टेनलेस स्टील डिस्क के बनाया हुआ है पूरा प्लेन, सॉरी ट्रक। मैंने तो वो ही पूछा ना, थाने छोड़ दो गाड़ी, चला चला के थक गया फ्री में। भाई अंदर आओ क्या, हटना जरा मेरे को अंदर आने का, बहुत भीड़ है, बहुत जगह नहीं है। अच्छा था, इतना गुस्सा आ रहा है ना उमेश तेरा। गुस्सा क्यों आ रहा है ये बता तो सही। तूने मुझे क्या बोला था तू मेरी शॉपिंग करवाएगा, अभी क्रॉक्स में क्यों जा रहा है? वो चप्पल है ना मेरा क्रॉक्स, तू मेरे को रोज चप्पलों से मार रही है, उसके वजह से टूट रहा है। तेरा पापा कितना झूठ बोलता है, कुछ बोल। झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है, सच बोलती है। वो चुप बैठी क्योंकि उसको मालूम है। ये तो हमेशा ऐसा करता है, मॉल लेके जाता है, चल तेरे लिए कपड़े लेंगे कपड़े लेंगे, और फिर खुद घुस जाता है। तो ये देखो सुखी आत्मा कैसे जा रही है, वो कौन सा कलर ले रहा है, पिंक लेना है? देख पिंक ये बहुत मस्त है, एकदम माचो लुक। अभी उमेश फुल कंफ्यूज है, दोनों ब्लू में से कौन सा, ब्लू ब्लू ये वाला ब्लू लेना चाहिए, और अभी ब्लैक भी निकल गया। मैं ना थक गई हूं उमेश, अभी देख कितना अच्छा है, तू मॉल लाइक शॉपिंग तेरा करने आए थे मेरा लिख दिया। अच्छा हमने बहुत थक गया, अभी अपन को घर चलना चाहिए। अच्छा अभी अभी खुद का हो गया तो अभी घर चलना है, घर चलना। मायरा भी बोल रही है, मायरा भी बोल रही है चलो। वो बेचारी एक बॉटल दिए खेलने के लिए, उसमें खुश है। मायरा हम डैडा से कट्टी है, ठीक है, डैडा ने हमें उल्लू बनाया, बोला शॉपिंग करवाने लेके जाता हूँ और खुद शॉपिंग की। मत सुन मायरा, तेरे कान पे बुरा असर पड़ेगा, मत सुन। तो अभी हम जा रहे हैं घर पे। यस, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मेरे को थोड़ा सा बुखार आ रहा है। उमेश को लग रहा है उसकी तबीयत डाउन हो गया, एक्चुअली शॉपिंग करके तुझे खुश होना चाहिए। तेरी शॉपिंग कर रही थी इसलिए मेरी तबीयत खराब हो गई। ओके चलो, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो,
सब्सक्राइब करो। यस, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।